वेलकम दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मॉडिफाई होके इसमें किंगडम जो प्रोटिस्टा था उसमें जो है ऐड किया गया, किंगडम जो एनिमिलिया और किंगडम जो प्लांटी था वो पहले ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। तो किंगडम प्लांटी प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया और जो प्लांट्स के अंदर फंजाई को रखा गया। लेकिन अभी साइंटिस्ट जो है थे डिसएग्री थे कि फंजाई को प्लांट के अंदर नहीं रख सकते, इसलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उस बेस पे। तो इसके अंदर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन से हैं? प्रोटिस्टा, एनिमल, ठीक है, एनिमेलिया, फंजाई और मोनेरा, ये पाँच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। और हम इनको वन बाय वन इंशाल्लाह सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और ये था ओवरऑल थ्री और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जजाकल्लाह।